वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो अपना KTM का माय राइड नेविगेशन जो ऐप है वो अपने बाइक पे कैसे चालू किया जाता है, और उसका जो मोबाइल ऐप है वो भी कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कहाँ से मिलता है, परचेस करना पड़ता है या फ्री में मिलता है। आप सभी लोगों को मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें जो है KTM माय राइड नेविगेशन का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लेना है। उसके लिए आप लोगों को बताता हूँ, उसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है, और प्ले स्टोर खोलने के बाद ऊपर सर्च में KTM माय राइड नेविगेशन सर्च करना है, जो कि मैंने सर्च किया है और इंस्टॉल भी कर दिया है। ये एक नंबर में जो ऐप दिखा है यही ऐप हमें इंस्टॉल करना है। एक्चुअली ये जो ऐप है इस पेड ऐप है, जो कि 600 रुपीज़ का आता है। ये मैंने ऑलरेडी परचेस किया है, इसके लिए अभी यहाँ पे सीधा ओपन कर दिखा रहा है। तो चलो अभी इसको ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको ओपन करते हैं और इसके बाद इसका ऐसा इंटरफेस आता है, और उसी के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि अभी मेरा नो कनेक्टेड दिख रहा है यहाँ पे, नो बाइक कनेक्टेड। तो इन बटन्स को यूज़ करके हमें जो है वो इसको ऑपरेट करना है। तो ये जो बटन है बैक वाला और सेट वाला, तो बैक करके अगर सेट किया तो उसके बाद अपना ये मेनू आ जाता है, और मेनू में जो KTM माय राइड दिखा है इस पर सेट करके अंदर जाना है, और अंदर जाके पेयरिंग करना है, और पेयरिंग हमें फ़ोन से करना है। इसके लिए फ़ोन सेलेक्ट कर लेना है, और साथ ही साथ अपना जो मोबाइल है मोबाइल पर क्लिक करके यहाँ पे जो क्लिक करना है और अलाउ कर देना है, जो कि ब्लूटूथ ऑन होता है। अलाउ करने के बाद तो जैसे ही ब्लूटूथ ऑन होता है वैसे ही यहाँ पे अपना मोबाइल जो वो कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी पहले से ही नाम आ गया था, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कनेक्ट किया है। तो अभी मैंने ब्लूटूथ ऑन किया और नोट 5 प्रो पे मैं सेट पे क्लिक करता हूँ, तो कनेक्टेड दिखा रहा है। अभी बैक आ जाते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि अभी यहाँ पे जो है वो नॉर्मल होम स्क्रीन है, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कुछ मैप ऐड किया और उसको अगर स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्क्रीन है इस पर आ चुका है कि हमें कितने मीटर के बाद टर्न लेना है, और यहाँ पे ऊपर जो है वो टाइम बता रहा है, और इसके नीचे जो है वो फाइनल मतलब टोटल हमें जितना किलोमीटर जितना मीटर जाना है वो यहाँ पे दिखाता है। अभी जो मैंने यहाँ का पास का ही मैप लगाया इसके लिए सिर्फ 345 मीटर्स बता रहा है, और 60 मीटर के बाद मुझे लेफ्ट लेना है वो बताया है। तो गाइज अगर आपको मेरा शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नए हो तो दीजिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, और वीडियो यहाँ तक देख ही लाए सो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले टाइम, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।